और पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सभा रद्द कर दी गई है। इसका कारण मौसम का खराब होना बताया गया है। सभा की सारी तैयारियां कर लेने के बाद सभा रद्द होने से एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी गई। खाली पड़ी कुर्सियां और खाली पड़ा मैदान, ये नजारा है आसनसोल का। दरअसल आसनसोल के रेल पार बाबू तालाब इलाके में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सभा होने वाली थी। सभा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। असदुद्दीन ओवैसी को मीम प्रत्याशी दानिश अजीज के समर्थन में जनसभा को संबोधित करना था। बस इंतजार था ओवैसी के आने का, मगर कुदरत ने मानो मीम का साथ ही नहीं दिया। ऐन वक्त पर ओवैसी का आसनसोल दौरा रद्द हो गया। मौसम ने ओवैसी की सभा पर पानी फेर दिया। बताया गया कि बिगड़ते मौसम के कारण असदुद्दीन ओवैसी का हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं सका। एआईएमआईएम के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, उनका आने का यहाँ पे बात था, 2 बजे बात था फ्लाइट लैंड होने का, हेलीकॉप्टर लैंड होने का, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। बताया जा रहा है बैड वेदर की वजह से। जिसके बाद एआईएमआईएम के प्रत्याशी दानिश अजीज ने आरोप लगाया कि साजिशन असदुद्दीन ओवैसी को आसनसोल आने ही नहीं दिया गया। जनाब असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ आसनसोल के सरजमीन पे आने से रोका जा रहा है। काफी मंथन के बाद आखिरकार ओवैसी ने 5वें चरण से अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। काफी मशक्कत के बाद ओवैसी की पार्टी ने जनसभा के लिए मुर्शिदाबाद में तंबू भी गाड़ दिए थे, लेकिन पुलिस की अनुमति नहीं मिलने पर वहां भी जनसभा रद्द हो गई। हालांकि उत्तर दिनाजपुर में मीम की जनसभा में ओवैसी पहुंचे भी थे और तालियां भी बटोरी थी। आसनसोल में ओवैसी की जनसभा रद्द होने से जहां मीम समर्थकों को मायूसी हाथ लगी, वहीं सियासी हलके में इसका दूसरा संदेश भी गया। हालांकि सभा रद्द होने की एक वजह भीड़ का नहीं जुटना भी माना जा रहा है।